साहब मुलाहजा कर चुके हैं का डोगरा से अफसोसनाक खबर है, जहां पर सरगोधा रोड पर कार और वैन में खौफनाक खत्म हुआ। हादसे में 8 डांबक हुए हैं, जबकि मुतादित के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तसादुम के बाद वैन का सिलेंडर धमाके से फट गया और ये है कि इसमें 8 अफराद जांबक हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक्य पेश आया खान का डोगरा के करीब, जहां पर सरगोधा रोड पर कार और वैन में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें 8 अफराद जांबहक हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर, अपडेट कीजिएगा, ये हादसा कैसे पेश आया और कितने अफराद ऐसे हैं जो कि अभी जख्मी हैं? जी, ये खान का डोगरा से सवारियां बिठा के वैगन जो है वो जा रही थी कि सलार फैदा के करीब जो है वो सामने आने वाली कार से टकरा गई है, जिसकी वजह से ये कार और वैगन दोनों का जो सिलेंडर है वो फट गया है और उसमें कमोबेश जो है वो 8-10 अफराद जो है वो जिंदा जल गए हैं, जबकि जो जख्मी हैं उनको जो है वो मुकामी अस्पताल जो है वो लाया गया है, जहाँ उनकी सही मरम पट्टी करके कुछ फर्क है, जो शदीद जख्मी है उनको जो है वो लाहौर रेफर कर दिया है। जी, ये मैं आपको बताता चाहूँ की ये हादसा जो है ये फ्रंट सीट पर जो है वो 2 से ज्यादा अफराद बिठाने की वजह से पेश आया है। मैं मौका हूँ और यहाँ जो जख्मी है उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि फ्रंट सीट पे 2 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिसकी वजह से ड्राइवर जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर। इस अफसोसनाक हादसे में 8 अफराद जांबहक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। शुक्रिया मजहर इकबाल, आपने अपडेट किया। अफराद जो है वो मुकामी अस्पताल में जो है उनको जो है वो इस तरह ट्रीटमेंट जा रही है। जी, शुक्रिया मजहर इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे। खान का डोगरा के करीब सरगोधा रोड पर कार और वैन में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें 8 अफराद जांबहक हो चुके हैं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं।